सिर्फ सच। संगमरमरी चट्टानों के बीच अटखेलिया करती नर्मदा का अप्रतिम सौंदर्य बरबस ही पर्यटकों का मन मोह लेता है। चट्टानों से गिरती दूधिया धार और उससे उठने वाला धुआं इस नज़ारे पर चार चांद लगा देता है। जबलपुर से महज 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह प्राकृतिक धरोहर अब वैश्विक विरासत के रूप में पहचानी जाएगी। यूनेस्को ने भेड़ाघाट को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल कर लिया है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले जून महीने के बाद दुनिया भर से पर्यटक यहाँ की खूबसूरत वादियों के बीच अपनी हाजिरी लगाते नजर आएंगे। दुनिया की नायाब धरोहरों में शामिल होने के बाद निश्चित ही यहाँ आने वाले विदेशी सैलानियों की तादाद में इजाफा होगा। भारत की ओर से यूनेस्को की संभावित हेरिटेज सूची में शामिल होने के लिए 9 स्थान भेजे गए थे, जिनमें 6 स्थानों ने उसमें जगह बना ली है। महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्टिकल्चर, वाराणसी का गंगा घाट रिवर फ्रंट, दक्षिण भारत के कांचीपुरम के मंदिर, कर्नाटक का हायर बैकल महापाषाण स्थल, मैथालिक साइट समेत मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, लमेटा घाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की नैसर्गिक सुंदरता ने संभावित सूची के सारे मापदंड पूरे किए हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून महीने में चीन में आयोजित होने वाली यूनेस्को की बैठक में जारी होने वाली फाइनल सूची में ये अपना स्थान बना सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके भेड़ाघाट और सतपुड़ा को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में शामिल किए जाने को मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया है। सदियों से भेड़ाघाट और लमहेटा घाट के विहंगम दृश्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। यहाँ के अनुपम सौंदर्य को कैमरे में कैद करने के लिए बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा है। 60 के दशक में बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने अपनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है मैं ओ बसंती पवन पागल और आ अब लौट चले जैसे नायाब गाने यहाँ की संगमरमरी वादियों में फिल्माए। वक्त बीतता रहा और एक के बाद एक बॉलीवुड की कई फिल्में प्राण जाए पर वचन न जाए, अशोका और मोहन जोदाड़ो की कई दृश्य यहाँ फिल्माए गए हैं। करीना कपूर पर फिल्माया अशोका का फिल्म का मदहोश कर देने वाला गीत रात का नशा अभी भी लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में स्थान बनाने के बाद भेड़ाघाट और लमेटा घाट में संभावनाओं के कई द्वार खुल जाएंगे। यहाँ न सिर्फ सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा बल्कि रोजगार के कई अवसर भी बढ़ जाएंगे। संगमरमर के पत्थरों को तराशकर यहाँ के शिल्पकार नायाब कलाकृतियाँ और मनमोहक मूर्तियाँ तैयार करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इन कलाकृतियों को यादगार बना कर ले जाते हैं। नई पहचान मिलने के बाद इन कलाकारों को न सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी।
यूनेस्को द्वारा जारी सूची में जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के दो स्थानों का जगह बनाना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह उम्मीद करना बेहतर होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज की अंतिम सूची में भी ये स्थान शामिल होंगे। जबलपुर को दुनिया के नक्शे में एक विशेष स्थान मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द त्रिकाल मीडिया।